गरीब अनाथ लड़की पर दुर्गा माता का वरदान। मानसी बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? मुझे भी दुकान खोलनी है, चल उठ जा जल्दी से। मानसी की माँ एक किराने की दुकान चलाती थी, उसी से उनके घर का और मानसी की पढ़ाई का खर्च पूरा हो जाता था। लेकिन मानसी की मम्मी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और एक दिन उसके सर से माँ का साया भी उठ गया। उसके बाद मानसी के चाचा उसे अपने घर ले गए। ये क्या नई मुसीबत भी हमारे साथ रहने वाली है। तो कोई मुसीबत नहीं है, बेचारी अनाथ हो चुकी है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपने तो घर को धर्मशाला बना रखा है, किसी को भी उठाकर घर ले आते हैं। वो कोई गैर नहीं है, हम दोनों की भतीजी है और वो यही रहेगी। अरे अगर यहाँ रहेगी तो काम काज करना पड़ेगा, काम नहीं करेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। हाँ पहले ही दिन चाची का अत्याचार शुरू हो गया। अरे ओ चाचा की लाडली महारानी, सुबह के 6 बजे हैं, क्या 12 बजे सोकर उठेगी? चल उठ। चाची मुझे तो 7 बजे उठने की आदत है और मेरा स्कूल भी 8 बजे का है, तो आप मुझे अभी से क्यों उठा रही हैं? ओए होए, तो मुझे अपनी बेटियों के साथ साथ तेरा भी काम करना पड़ेगा। जल्दी से उठ जा और नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। चाची जी जो काम खुद करती थी अब वो काम भी मानसी से करवाने लगी। बेटा चिंकी मिंकी उठो, 7 बजे हैं, तुम्हारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है, उठो बेटा। मानसी इन दोनों को नाश्ता सर्व कर दो। ठीक है चाची। चाची जी अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं वरना मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं, एक आधा दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा फेल होने वाली है, थोड़े से काम में इतना टाइम ले लिया, कल से थोड़ा फास्ट काम करना वरना स्कूल नहीं जा पाएगी। चाचा तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। चाची के साथ चिंकी मिंकी भी मानसी के साथ रूड बिहेवियर करने लगी थी। सारा काम निपटा कर जब वो बेड पर जाती तो रोजाना उसको अपनी मम्मी की याद आती और उसकी आंखों में आंसू छलक आते। मम्मी आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अब मेरा इस दुनिया में कौन है जिसके सहारे मैं रहूं? इस घर में तो मेरी औकात एक नौकरानी जैसी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मानसी बेटा मैं जानती हूँ आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, तेरे चाचा का काम सही नहीं चल रहा ना, तो क्या तू हमारी मदद कर सकती है? मदद? कैसी मदद चाची? तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये तुम्हारी माँ की किराने की दुकान है, हम उसे बेचकर कोई अच्छा काम शुरू कर देते हैं और फिर तेरे चाचा भी तो परेशान नहीं होंगे। ना चाहते हुए भी मानसी उन पेपर्स पर साइन कर देती है, पर उसके बाद भी उसे चाची से माँ का प्यार नहीं मिलता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक दिन मानसी की स्कूल की टीचर घर आई। इत्तेफाक से चाचा घर पर ही थे। मानसी हमेशा क्लास में टाइम पर आती थी, होमवर्क भी हमेशा कंप्लीट रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये ना ही टाइम पर आती है, हफ्ते में कई कई छुट्टियां भी हो जाती हैं और इसका होमवर्क भी ज्यादातर इनकम्प्लीट रहता है। टीचर की बात सुनकर चाचा को बहुत बुरा लगा। जी माफ कीजिएगा, आगे से मैं खुद मानसी पर ध्यान दूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। टीचर के जाने के बाद चाचा और चाची में खूब झगड़ा हुआ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं इसको और घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब या तो ये यहाँ रहेगी या मैं और मेरी बेटियाँ, फिर इसको जैसे चाहे वैसे रखना। उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। मानसी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई और वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँची, फिर एक ट्रेन में चढ़ गई और अगले स्टेशन पर अनजान शहर में उतर गई। अब तो किसी अनाथ आश्रम में ही जाकर रहना ठीक होगा, वहाँ रहकर जैसी जिंदगी मिलेगी जी लूंगी। फिर मानसी शहर पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद अनाथ आश्रम में रहने लगती है। समय बीत जाता है और मानसी अब 18 साल की हो जाती है। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, कब तक अनाथ आश्रम वालों पर बोझ बनी रहूंगी? ये सोच कर वो काम की तलाश में निकलती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े फल वाले पर पड़ी जो कि दो दो ठेलों पर फल बेच रहा था। अरे मेरे ठेले से फिर से फल चोरी हो गए,
क्या करूं, जब से ये मंगू काम छोड़कर भागा है तब से बहुत नुकसान हो रहा है। अंकल, अगर आपको काम वाले की जरूरत है तो मैं आपके पास काम कर सकती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, चलो मुझे क्या मतलब, ठीक है रोज के 200 रुपए दूंगा। मानसी ने काम करना शुरू कर दिया। जब बूढ़े ने देखा कि मानसी मेहनती है और अकेले भी ठेले को संभाल सकती है तो वो उससे बोला, बेटा मानसी, तुम अगर चाहो तो अलग दूसरे नुक्कड़ पर ठेला लगा सकती हो और जितने फल तुम बेचोगी उसका 10% तुम्हारा होगा। फिर मानसी ने दुर्गा माता के मंदिर के सामने ठेला लगाना शुरू किया, लेकिन उसकी बराबर में ही एक और ठेले वाला भी था जो नहीं चाहता था कि उस एरिया में कोई और अपने फल बेचे। सेब ले लो सेब, कश्मीरी मीठा सेब, छिलका उतार के। भैया, सेब कैसे दिए हैं? ले लो जी, बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 80 रुपए किलो, छिलका उतार के। 80 रुपए? अरे रे रे, बहुत महंगे हैं भैया, पैसे कम है, 60 लगा लो। ऐसे सेब 100 रुपए किलो से कम कहीं नहीं मिलने वाले, छिलका उतार के। ठीक है, रहने दो। कहकर वो औरत मानसी के ठेले पर चली गई और उससे भाव पूछने लगी। वैसे तो ये सेब 80 रुपए किलो ही है, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप 60 में ले सकती हैं। ठीक है, 1 किलो सेब तोल दो। औरत सेब लेकर खुश होते हुए चली गई। अरे तू पागल है क्या, 80 वाले सेब 60 में दे दिए, ऐसे तो मेरे सेब रात तक भी नहीं बिकेंगे। उन बेचारी आंटी के पास पैसे कम थे इसलिए दे दिए, इसमें क्या गलत है? अगर इस मंदिर के सामने ही बेचने हैं तो मुझसे कम रेट में नहीं बेच सकती, वरना अच्छा नहीं होगा छिलका उतार के। कहकर वो अपने ठेले पर चला गया, लेकिन मानसी बहुत ही नरम दिल थी इसलिए वो ग्राहक की मजबूरी को समझकर कम पैसों में भी सेब बेच दिया करती थी। मानसी के सारे सेब तेजी से बिक रहे थे और उसका ठेला अभी भी आधा भरा हुआ था। शाम तक मानसी के पास बस 6 ही सेब बचे थे और अंधेरा होने वाला था। इन बचे हुए सेबों का क्या करूं? अरे मैं तो भूल ही गई, नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर ही इतने फल बेचे हैं, ये बचे हुए मैं माता को ही चढ़ा देती हूँ। अगले दिन, भैया केले कैसे दिए हैं? ले जाओ, 60 रुपए दर्जन है छिलका उतार के। भैया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, दवाइयों पर भी खर्च हो रहा है, मेरे पास बस 40 रुपए ही हैं। सारे भिकमंगे परेशान मेरे ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं, 40 रुपए हैं तो घर जाओ छिलका उतार के। आप तो बहुत ही बदतमीज हैं, मैं किसी और से ले लूंगी। 40 में कोई नहीं देगा छिलका उतार के। आंटी, आपके बेटे की तबीयत खराब है ना, तो आप मुझसे केले ले जाइए। ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके ही मानेगी छिलका उतार के। उस दिन मानसी ने 5 दर्जन केलों को माता रानी के भक्तों को बांट दिया। अगले दिन भी उसने इसी तरह काम किया और उस दिन भी उसके पास लगभग 5 किलो सेब बच गए। लेकिन इस बार माता के मंदिर जाने से पहले ही उसके सामने एक बुढ़िया आकर खड़ी हो गई। बेटी, मेरी झोपड़ी में मेरे साथ 8 बच्चे रहते हैं, बिल्कुल अनाथ हैं। क्या तुम उनके लिए इन सेबों में से कुछ दान करना चाहोगी? क्यों नहीं आंटी जी, लेकिन मैं आपके साथ चलकर उनको अपने हाथों से ये सेब खिलाना चाहूंगी। फिर बुढ़िया मानसी को एक झोपड़ी के पास लेकर चली गई। अंदर आओ बेटा। बुढ़िया झोपड़ी के अंदर चली गई। मानसी ने भी अपना ठेला बाहर छोड़ा और मानसी भी झोपड़ी के अंदर चली गई। तभी उसने देखा बुढ़िया बदल कर दुर्गा माता बन गई तो वो हैरान रह गई। मानसी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, आज के कलयुग में इतनी परेशानी झेलने के बाद भी तुम सबके बारे में सोचती हो। कई बार तुमने दूसरों की भलाई करने में नुकसान भी खाया, लेकिन फिर भी लालच में आकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। तुम्हारी इसी दरिया दिली से खुश होकर मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर माता ने अपना चमत्कार दिखाया और मानसी के सामने एक पोटली आ गिरी। इस पोटली में सोने के 5 सिक्के हैं और जिस दिन भी इसमें 5 सिक्के खत्म हो जाएंगे उसी रात फिर से 5 सोने के सिक्के इसमें आ जाया करेंगे। दुर्गा माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसको मैं दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करूंगी, जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं। दुर्गा माता विलुप्त हो गईं। फिर मानसी पोटली लेकर घर चली गई और बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया। चलो अच्छा हुआ बेटी, अब तुम
अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो और अब तुम्हें फल बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन मानसी ने 2 सिक्कों को बेच दिया और अपनी माँ की किराने की दुकान वापस खरीद ली और बूढ़े की झोपड़ी को तुड़वा कर एक अच्छा मकान बनवाने का काम शुरू करवा दिया। दुकान पर उसने बूढ़े को बैठा दिया। अब मानसी के पास सब कुछ था, इसलिए वो पढ़ाई फिर से करने लगी और उस बूढ़े को अपने पिता की जगह मानकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगी। बहू के जादुई हीरे के आंसू। दरियापुर गांव के पास बहुत बड़ा दरिया बहता था। उस गांव में शब्बो अपने सौतेले दिव्यांग बेटे इंद्र और बहू सरिता के साथ रहती थी। उनके साथ शब्बो का भाई छेदीलाल भी रहता था। छेदीलाल बहुत चालाक और छली टाइप का आदमी था, इसीलिए सब उसे छलिया मामा कहकर बुलाते थे। शब्बो की बहू सरिता बहुत ही मेहनती और दयालु थी। वो सुबह होते ही नाव लेकर दरिया में जाती और मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचती। दया ऊपर वाले की है, आज तो बहुत अच्छी मछलियाँ मिली हैं, पैसा भी अच्छा बन जाएगा। सरिता मछलियों की टोकरी लेकर बाजार जाती है और आवाज देकर मछलियाँ बेचने लगती है। ले लो, ताजा ताजा तरीन मछलियाँ ले लो। मछलियाँ तो बहुत बढ़िया पकड़ कर लाई हो, इन सब मछलियों का क्या लोगी? दया ऊपर वाले की चाचा, 500 लूंगी, पूरे 500। ठीक है, दे दो। ग्राहक मछलियाँ लेकर चला जाता है और सरिता पैसे गिनने लगती है, मगर तभी एक औरत अपने बीमार पति के साथ वहाँ आती है और सरिता से कहती है, अरे बहन, मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे इनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, कुछ मदद कर दो बहन। दया ऊपर वाले की, बहन मेरे पास तो 500 रुपया है, तुम इन्हें ही ले लो। सरिता बहुत ही दयालु और परोपकारी औरत थी, उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था, इसीलिए वो दूसरों की मदद करते समय कुछ भी नहीं सोचती थी, वो अक्सर लोगों की मदद करती थी। उसकी इसी आदत से शब्बो और छलिया मामा बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए एक दिन वे दोनों सरिता पर जुल्म ढाने पर उतारू हो जाते हैं। दान करने का इतना ही शौक है तो अपने मायके से धन लेकर आती, मनहूस कहीं की। प्यारी बहना, मैं तो कहूँ इसकी चमड़ी उधेड़ दो, नाव हमारी, जाल हमारा और कमाई किसी और की, भला ऐसा भी कहीं होता है खम्बा उखाड़ के। छलिया मामा के ये कहते ही शब्बो एक छड़ी उठाकर सरिता को पीटने लगती है और उस पर चीखती हुई कहती है, कुलक्षिणी रोज रोज अपनी कमाई किसी को भी दे आती है, बोल फिर करेगी किसी की मदद, हाँ बोल। सासू माँ, मत मारो माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। तभी इंद्र सरिता को बचाने के लिए आगे आता है और अपनी सौतेली माँ से कहता है, अब इसकी जान लेकर ही छोड़ोगी क्या? किसी लाचार गरीब पर दया करना पाप तो नहीं है? लो, अब ई लंगड़ा भी जबान लड़ाने पर उतर आया खम्बा उखाड़ के, मैं तो कहूँ इन्हें घर से ही निकाल दो प्यारी बहन। छलिया मामा की बात सुनकर शब्बो कहती है, ये भी तुम ठीक कहते हो छेदीलाल, हम तो अपनी नाव को किराए पर देकर कमाई कर लेंगे। हाँ, आर ये दोनों दानी बनने के बजाय खुद ही भीख मांगते फिरेंगे, क्यों सही कहा ना प्यारी बहना खम्बा उखाड़ के? बिल्कुल सही कहा खम्बा उखाड़ के। ये कहकर शब्बो सरिता को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है और फिर इंद्र की तरफ देखते हुए कहती है, चोर है लंगड़े, तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा, जा निकल जा इस घर से। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे माँ? हमारी बला से जन्नुम में जाओ खम्बा उखाड़ के, क्यों प्यारी बहना, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा छेदीलाल। इंद्र सरिता को साथ लेकर बारिश में ही घर से निकल जाता है और कुछ देर बाद वे दोनों एक मंदिर में आकर बैठ जाते हैं। सरिता, आज की रात इस मंदिर में गुजार लेते हैं, कल सुबह कुछ सोचेंगे। दया ऊपर वाली की, जो आप सोचो वही ठीक है जी। सरिता अपने दिव्यांग पति को लेकर सड़कों पर भटकने लगती है। एक दिन इंद्र भूख से बेहाल होकर सरिता से कहता है, सरिता बहुत भूख लगी है, क्या कहीं से थोड़ा खाना नहीं ला सकती? आप बस कुछ देर सब्र कीजिए, मैं लाती हूँ खाना। ये कहकर सरिता कई जगह जाती है मगर उसे कहीं से भी खाना नहीं मिलता। लोग उसकी मदद करने के बजाय उसके यौवन पर नजर डालने लगते हैं। मेरा पति भूख से बेहाल है, थोड़ा खाना दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा।
मैं तो तुझ पर एहसान कर दूंगा, पर तू मुझ पर क्या एहसान करेगी हा? होटल वाले की बात सुनकर सरिता वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और फिर परेशान होकर भगवान से शिकायत करने लगती है। क्यों रे भगवान, औरत क्या इंसान नहीं होती? देखो तो लोग विपदा में भी मदद करने के बजाय कैसी गंदी नजर डालते हैं। ये कहकर सरिता रोने लगती है और तभी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू एकाएक हीरे बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ये चमत्कार देखकर सरिता हैरान रह जाती है और जमीन पर गिरे हीरों को उठाकर देखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच के हीरे हैं, मेरे आंसू तो हीरे में बदल गए। सरिता हीरों को उठाकर भागते भागते इंद्र के पास जाती है और उसे भगवान के इस चमत्कार के बारे में बताते हुए कहती है। दया ऊपर वाले की, अब तो भगवान ने हमारी सारी विपदाएं दूर कर दी हैं। हाँ सरिता, अब हम इन हीरों को बेचकर अपनी खुशहाल गृहस्थी शुरू कर सकते हैं, पर तुम अपना ये राज सबसे छिपाकर रखना समझी? दया ऊपर वाले की, ये राज हमेशा राज ही रहेगा जी। इंद्र और सरिता उन कीमती हीरों को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं और सुनार उन हीरों को देखकर हैरान होते हुए कहता है। अमेजिंग डायमंड्स, वेरी अमेजिंग डायमंड्स, हीरे तो बेश कीमती हैं। दया ऊपर वाले की, भाई इनका कितना पैसा मिल जाएगा? इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपने गांव का सबसे अमीर आदमी कहलाएगा बहन। ये कहकर सुनार उनको नोटों से भरा बैग पकड़ा देता है और फिर कहता है, लो इस बैग में इतना पैसा है कि तुम्हारा सब ख्वाब पूरा हो जाएगा, समझा? पैसे आते ही इंद्र और सरिता का जीवन बदल जाता है। इंद्र अपने लिए सुंदर बंगला और गाड़ी खरीद लेता है और वे दोनों ठाट बाट से रहने लगते हैं। सरिता के पास धन आ जाने से अब वो गरीबों की खुलकर मदद करने लगती है। वो गांव के कुछ गरीबों को घर बनवा कर देती है। गांव का हर गरीब उसकी जय जयकार करने लगता है। दया ऊपर वाले की, अब इस गांव के हर गरीब के पास रहने के लिए घर होगा और गांव के हर गरीब का जीवन सुखी होगा। हम हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करेंगे। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। शब्बू और छलिया मामा उनकी अमीरी देखकर हैरान रह जाते हैं, साथ ही उनका सुख देखकर उसकी काया जलने लगती है। प्यारी बहना, ये क्या चमत्कार हो गया, खम्बा उखाड़ के उस गरीब लंगड़े भांजे के पास अचानक इतना धन कहाँ से आया? छेदीलाल, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि जिनको नंगा करके घर से निकाला था, उनके बदन पर सोने की पोशाकें कहाँ से आ गई? मुझे लोग यूं ही छलिया मामा नहीं कहते प्यारी बहना, मैं एक नंबर का कमीना हूँ कमीना। देखना ये राज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा खम्बा उखाड़ के। उस दिन के बाद छलिया मामा उनके पीछे ही पड़ जाता है और आखिर में उसे सरिता के हीरे देने वाले जादुई आंसू के बारे में पता चल जाता है। वो इस राज को शब्बू को बताते हुए कहता है। प्यारी बहना, अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है खम्बा उखाड़ के। छेदीलाल, बस तुम बहू को उठाकर घर ले आओ, उसे रुलाना मेरा काम है। समझ गया बहना, बहू जितना रोएगी उतने ही हीरे बरसेंगे खम्बा उखाड़ के। एक दिन छलिया मामा अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहता है, आज रात तुम सबको मेरे उस लंगड़े भांजे की पत्नी सरिता को उठाकर लाना है, पर इस बात की खबर किसी को ना लगे खम्बा उखाड़ के। बिल्कुल नहीं लगेगी छलिया मामा। छलिया मामा का आदेश मिलते ही उसके आदमी रात के अंधेरे में सरिता को उसके घर से उठाकर शब्बो के पास ले आते हैं और शब्बो उसे अपनी छड़ी दिखाते हुए कहती है, क्यों री ये छड़ी तुझे याद है या भूल गई? पर मैंने तुम्हारा क्या किया माँ जी? ये सुनकर छलिया मामा कहता है, तुझे तो बस रोना है, तू रोएगी नहीं तो हमें हीरे कहाँ से मिलेंगे। चलो बहना अब इसे रुलाना शुरू करो खम्बा उखाड़ के। छलिया मामा के ये कहते ही शब्बो छड़ी उठाकर सरिता पर बरसाना शुरू कर देती है और फिर जैसे ही सरिता की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो हीरे के बनकर जमीन पर छटकने लगते हैं। हीरों को देखकर छलिया मामा फूला नहीं समाता। वाह प्यारी बहना, अपना अत्याचार जारी रखो खम्बा उखाड़ के, देखो तो हीरों की बरसात होने लगी है। मान जाओ मामा, भगवान से डरो, वो सब देख रहा है। चुप, ज्यादा जबान चलाई तो मार डालूंगी तुझे। शब्बू और छलिया मामा सरिता पर कई दिनों तक जुल्म ढाते रहते हैं और उसे रुलाकर बहुत सारे हीरे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर वो उन्हें बेचने के लिए अपने घर मनीलाल नाम के हीरा व्यापारी को बुलाते हैं। इतने सारे हीरे? मनीलाल ये कह ही रहा होता है कि तभी हीरों के ढेर से
और फिर अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तभी इंद्र सरिता को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और सरिता को अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद शब्बो और छलिया मामा इतने डर जाते हैं कि कभी उनके आसपास भी नजर नहीं आते। दोस्तों आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।